अब हम लोग चल रहे थे इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, सेकंड वाला था फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जो हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म है, जीओसी तो काफी टाइप से मिलकर के बनी है, फाइव टाइप से मिलकर के बनी है, लेकिन जो रिएक्शन मैकेनिज्म है हम लोग वो कर रहे हैं अभी। और रिएक्शन मैकेनिज्म ध्यान रखिएगा वो फोर टाइप्स की होती है। नंबर वन इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, नंबर टू इज फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर थ्री इज टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, नंबर फोर इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास है जीओसी के टाइप, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फोर टाइप्स की होती है। अब इसके बेसिस पर वन बाई वन करके कर रहे हैं हम लोग। नंबर वन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, नंबर वन इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, चल भी रही है। अच्छा बच्चे कह रहे हैं चल नहीं रही है, दोबारा से उस पे ना। अच्छा, वो पता नहीं क्या बच्चे पूछ रहे हैं जी, आज चालू नहीं होगी क्या, वो उसमें हो गया था थोड़ी देर के लिए। किस पे? हाँ वो डिलीट कर दी, अब दोबारा से आएगी है ना। अच्छा, लिंक नहीं भेजी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अब मैं दोबारा एक बार भेज देता हूँ शायद सबको। चलो कोई नहीं, आज थोड़ा सा चलो भाई जल्दी आओ फिर नया करते हैं। देखो इसमें हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, है ना। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है तो वो टू टाइप्स की होती है, या तो परमानेंट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ध्यान रखना, या फिर उसमें टेम्पररी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, कुछ टाइम के लिए हुए हैं, कुछ टाइम बाद फिर दोबारा वापस आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं बेसिकली टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करें तो इसको बोलते थे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है कितने टाइप्स की होती है? बेसिकली टू टाइप की। तो देखो एक तो हमारे पास होता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और एक जो दूसरा होता है वो होता है टेम्पररी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट तो ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो टू टाइप्स का है। मीन्स परमानेंट का मतलब होता है इट अकर्स इन दी एब्सेंस ऑफ रिएजेंट, इसमें किसी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ध्यान रखना। अगर हम टेम्पररी की बात करें तो इसमें रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जब हम रिएजेंट डालते हैं तभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग रिएजेंट हटा लेते हैं वापस से इलेक्ट्रॉन अपनी पोजिशन में आ जाते हैं पहली वाली में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इट अकर्स इन दी एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। ये जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो ध्यान रखना, ये रिएजेंट की प्रेजेंस की इसमें जरूरत नहीं होती है। यहां जो टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है इट अकर्स इन दी प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट,
ये रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। आफ्टर रिमूवल ऑफ रिएजेंट इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू ओरिजिनल पोजिशन। यानी कि इसमें होता क्या है कि जब जैसे मान लीजिए हमने रिएजेंट डाला तभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, जैसे ही हमने रिएजेंट को अलग कर लिया इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी पोजिशन में आ जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो बात आपको समझ में आई? जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। देखो जीओसी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली कई टाइप्स में मिलकर के बनी हुई है, जो हम लोग कई बार से इसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग पहला टाइप पढ़ रहे हैं जो कि है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म खुद फोर टाइप्स का बना होता है जिसको हम ये वाले इफेक्ट बोलते हैं। उसमें भी कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए कार्बन कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। कब शिफ्ट हो रहे हैं? जब कोई दूसरा डिफरेंट एटम लगा दिया जाता है किसी कार्बन चेन में, तब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो होती है वो टू टाइप से होती है, या तो परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं या फिर टेम्पररी शिफ्ट हो रहे हैं। मान लीजिए अगर परमानेंट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके लिए किसी रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, टेम्पररी हो रहे हैं तो वहां पर रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के, जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, नंबर वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर टू इज हाइपर कंजुगेशन, नंबर थ्री इज रेजोनेंस। ये वाले जो इफेक्ट है हमारे पास, दीज आर द परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक ही इफेक्ट आता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब इसके थ्री टाइप्स हैं, उसका एक ही टाइप है। तो वन बाय वन करके करेंगे, पहले परमानेंट वाले सारे हम लोग फिनिश कर लेंगे, उसके बाद टेम्पररी पे जाएंगे। तो आप लोग फर्स्ट वाला डाल लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कार्बन कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो इफेक्ट ऑपरेट होता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और ये इफेक्ट कब ऑपरेट होगा? जब दो डिफरेंट एटम होंगे, मतलब कार्बन चेन में कुछ ऐसे एटम लगा दिए जाएं, चाहे तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, चाहे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो उस केस में हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, ध्यान रखना। तो लिखो इसकी डेफिनेशन एक बार, दिस इफेक्ट अराइजेस इनटू द कार्बन चेन थ्रू सिग्मा बॉन्ड व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू द कार्बन चेन। अब आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो इफेक्ट है किसी कार्बन चेन में पाया जाता है और तब लगता है जब दो कार्बन से या तो किसी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है या फिर कम है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वाला ये पॉइंट है हमारे पास, देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट इन बिटवीन
CH बॉन्ड, CH बॉन्ड के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पाया जाएगा। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है 2.1 है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 है, फिर तो होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो इसका डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। इसका डिफरेंस जो आ रहा निकल करके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वो है 0.4। इसका मतलब इसको नेग्लिजेबल माना जाता है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि सी एच के बीच में किसी भी तरीके का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है, द इंटेंसिटी ऑफ दिस इफेक्ट डिक्रीजेस व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्सेस इंक्रीजेस। When distance from sources increases, जैसे जैसे कार्बन चेन में कोई सोर्स हमने लगा रखा है उससे जैसे ही डिस्टेंस दूर होती जाएगी इस इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो मैंने कोई एटम लगा रखा है किसी कार्बन चेन में, लाइक दिस एक्स या जेड कोई भी एटम लगा हुआ है मान लीजिए, तो सोर्स हमारे पास ये हो गए, सोर्स हमारे पास ये हो गए। अब जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस वाइज आगे बढ़ेंगे इधर की तरफ, तो इसकी जो है इंटेंसिटी इस इफेक्ट की वो कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा इस इफेक्ट की इंटेंसिटी कहां पे देखने को मिलेगी हमें, यहां पर जहां पे हमने सोर्स लगा रखा है। जैसे जैसे हम सोर्स से डिस्टेंस वाइज दूर होते जाएंगे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो ये हो गया हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा हम दूसरे रेस्पेक्ट में देखते हैं, चेक करते हैं ना। इंडक्टिव इफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू, ये किस किस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। इंडक्टिव इफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, एक बार हम पूरा देख लेते हैं उसको, एक आइडिया ले लो आप लोग, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है यहां पे, अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है 2.1 होती है, इसकी 1। ये पॉलिंग स्केल पे ध्यान रखना है ना, थोड़ा याद रखना, इधर चलते तो 0.5 से इंक्रीमेंट होता है। देखो नीचे जाएंगे तो 0.1 से डिक्रीज हुआ, फिर इधर की तरफ 0.3 से इंक्रीमेंट होता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, जिन जिन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है वो 100% कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे पीएच की बात करें, हम लोग पीएच की बात करें तो इसमें 100% कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। रीजन क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। रीजन क्या है इसमें, रीजन ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है उसमें 100% कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगेगा कि मैंने 0.4 से 2.4 से 3 रख दिया, 2.7 होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल डेटा है, ये पॉलिंग स्केल है जिसपे इसको मीजर किया गया है। अब जैसे मान लो NCl है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो आपको जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है वो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयोनिक बॉन्ड होगा, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल
मान लीजिए आपका सी एच एन एच और ओ एच एफ एच में आपसे पूछे कि बताओ इसमें आयोनिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा या पोलरिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करना है। जिन एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वो आयोनिक होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करें तो इसका कितना है 2.5 माइनस 2.1 कितना आ गया 0.4, इसका कितना है 3 माइनस 2.1 कितना आया 0.9, इसका है 3.5 माइनस 2.1 तो इसका कितना आया हमारे पास 1.4। अब इसका हो गया 4, इसका हो गया 2.1 तो इसका कितना आ गया 1.9। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो उतना ही ज्यादा आयोनिक होगा, तो सबसे ज्यादा आयोनिक ये हो गया, ठीक है, और यही पोलर हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक आइडिया लेना है आपको कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मान लीजिए सेम है या बहुत कम डिफरेंस है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है वो कैसे बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। अब दूसरा देखते हैं परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। देखो अगर यहां पे हम बात करें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की, तो हमारे पास तीन हाइब्रिडाइजेशन होते हैं एसपी एसपी टू एसपी थ्री। इसमें जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है वो होता है 50%, इसमें कितना होता है 33% और इसमें कितना होता है 25%। देखो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, लेकिन माइनस वाला ध्यान रखना, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास टू टाइप के होने वाले हैं, एक माइनस आई इफेक्ट एक प्लस आई इफेक्ट। तो जो माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है वो उसका ज्यादा होगा जिसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा। और एक और चीज, जैसे मान लीजिए इसमें हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, इन तीनों में ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, तो तीनों हाइब्रिडाइजेशन में जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो ये है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उसका ही परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा। अब मान लीजिए कई बार वो पी करेक्टर पूछ लेता है, तो इसमें देखें तो पी करेक्टर कितना परसेंट होगा 50%, इसमें देखें पी करेक्टर तो कितना होगा 67%, यानी कि 100 में से आपको माइनस करना है, ये ध्यान रखना। इसमें अगर हम पी करेक्टर देखें तो कितने परसेंट हो जाएगा 75%। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज क्या है इसमें, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं रिंग साइज, एक रिंग साइज के क्वेश्चंस देखें तो यहां पे इस तरीके से है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो रिंग साइज होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी कि जितना बड़ा रिंग साइज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है जो छोटी रिंग होगी उसकी ज्यादा होगी, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ध्यान रखना, और ये लीस्ट है। एक तो होती है मोर, एक होती है लीस्ट। एक चीज और, जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल में क्या रिलेशन होता है, तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब जैसे इन रिंग में देखें हम लोग तो कैसे देख रहे हैं, अंदर इसमें 60 डिग्री है, यहां 90 डिग्री है और यहां पर 108 है। अब कहने को देखने को तो आपको यह लगेगा कि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन रिंग में हम ऐसे नहीं देखते हैं। रिंग में हम ऐसे देखते हैं, मान लो अंदर कोई चीज कम है तो बाहर में कोई चीज ज्यादा होगी, यानी कि अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिंग वो बॉन्ड एंगल कम है, अंदर जिस रिंग में बॉन्ड एंगल कम है उस रिंग में बाहर का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कम है तो बाहर में लेकिन ज्यादा है, अंदर में तो कम है बाहर में ज्यादा, और हम लोग आउटर वाला देख रहे हैं ध्यान रखिएगा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो
कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा एक और चीज समझ लो, जैसे मान लो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। मोर दी ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स मोर दी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो ये ऑर्डर है। ठीक है, तो दो तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये देखो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग कर रहे हैं और ये एग्जाम्पल है हमारे पास परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का। इंडक्टिव इफेक्ट में ये चीजें ध्यान रखनी है, दूसरा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कुछ इंडक्टिव इफेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये टू टाइप्स के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, नंबर वन इज प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। देखो प्लस आई इफेक्ट और एक होता है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। मान लो मैं आपसे पूछूं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई कार्बन चेन है मान लीजिए, एक कोई कार्बन चेन है, इसमें कोई हमारे पास ऐसा एटम लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऐसा कोई एटम लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन जेड, जेड मतलब कोई एटम लगा हुआ है, तो ये क्या होगा कि ये जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है उनको कौन खींचने वाला है बेसिकली अपनी तरफ, उनको खींचेगा कार्बन, तो कार्बन पे जो है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस एटम पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज और भी कम हो गया, यानी कि जो ज्यादा रहने वाला है वो कहां पे, यहां पे। कुछ बात समझ में आई आपको कि जब किसी कार्बन चेन में कोई हम एक ऐसा एटम जोड़ते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, तो जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खींचेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, समझ रहे हो ना। तो देखो ये जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो आपसे मैं पूछूं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, व्हेन दी लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अटैच टू दी कार्बन चेन। चलो मैं लिख देता हूं एक बार उसकी, आप खुद लिखना डेफिनेशन, है ना, व्हेन दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हेन दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू दी कार्बन चेन व्हेन दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू दी कार्बन चेन देन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कार्बन चेन कार्बन एटम देन कार्बन ऑक्यूपाई पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। कुछ बात समझ में आई नहीं आई, देखो इसको आपको खुद ही लिखना है, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूं।
ये इसकी डेफिनेशन एक बार आप खुद ही बनाइएगा और आराम से समझ में भी आ जाएगा। देखो बस करना क्या है पता है, ये जो जहां लेस लिखा हुआ है वहां बस मोर आ जाएगा और यहां चेंज आएगा थोड़ा सा। अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि कार्बन और एक्स एटम में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक की जाए तो जो ये एक्स एटम है इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, एक्स एटम की ज्यादा है। तो व्हेन दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू दी कार्बन चेन देन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आ जाएगा, इट ऑक्यूपाई पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन ऑक्यूपाई पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड द माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव अब डिक्रीज होता रहेगा। तो सबसे ज्यादा कहां पर होने वाला है ये इफेक्ट, इस वाले कार्बन पे लगने वाला है। बात समझ में आई, नोट करो एक बार। When the more electronegative atom attached to the carbon chain, the shared pair electron attracted towards more electronegative atom and it occupy negative charge and carbon occupy partially positive charge, that is called the minus inductive effect. हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को यहां तक? क्लियर है? देखो अब आगे की बात करते हैं। एक चीज देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा रिकैप करता हूं। हम लोग चल रहे हैं जीओसी में, जीओसी में भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जीओसी में रिएक्शन मैकेनिज्म फोर टाइप्स की होती है अपने पास, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, फिजन, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब इसमें हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है वो टू टाइप का होता था, परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट जो है वो थ्री टाइप्स का होता है, इंडक्टिव इफेक्ट अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये हमारे पास हो गया प्लस माइनस आई इफेक्ट। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं एक बार, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आप देखो इंडक्टिव इफेक्ट के कई सारे एप्लीकेशन हैं। तो नंबर वन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अगर हमें इंडक्टिव इफेक्ट पता है तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हम बता सकते हैं कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होगी। नंबर सेकंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये बता सकते हैं हम लोग। तीसरा वाला, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये वाली बात बता सकते हैं हम लोग इसके थ्रू। नंबर फोर, एसिडिक करेक्टर एंड बेसिक करेक्टर। अगर मान लो आपको इंडक्टिव इफेक्ट पता है तो आप इतनी सारी चीजें बता सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। हां एक और बता सकते हैं, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि ये अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट पता है तो इतने सारे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं ऑर्गेनिक से रिलेटेड, जैसे मान लो अभी मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि जीओसी पे अच्छी पकड़ होगी तो डेफिनेटली आप कोई से भी चैप्टर में से अच्छे क्वेश्चंस कर लोगे, मैकेनिज्म का पता होगा आपको, अगर नहीं होगी कमांड तो फिर प्रॉब्लम आएगी चैप्टरों में और वो लर्न नहीं होते हैं, क्योंकि हर किसी की एक मैकेनिज्म होती है ऑर्गेनिक में और हम उस मैकेनिज्म के थ्रू कर सकते हैं। जो बेसिक है मेनली
बेसिक तो जीओसी है, इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में नेमिंग रिएक्शन जो है वो तो एज इट इज याद करनी पड़ती हैं और वो बहुत कम होती हैं, ध्यान रखना ज्यादातर मैकेनिज्म पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम लोग वन बाय वन करके इनकी बात करें, तो इससे पहले कि मैं आपको इन चीजों को बताऊं, उससे पहले एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। एक चीज ये है कि मान लो मैं आपसे पूछूं कि एक हमारे पास NH3 है, एक हमारे पास NR3 है। अगर इन दोनों में मैं आपसे पूछूं कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, तो बताओ किसका होगा इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट। अब क्वेश्चन यह है कि कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि माइनस आई प्लस आई, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं लग पा रहा है। तो देखो ये जो है प्लस आई और माइनस आई है, ध्यान रखना एक चीज का और ध्यान रखना, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉनिकली विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनने का मतलब होता है माइनस आई इफेक्ट का लगना। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट किसका है, बताओ जरा जल्दी बताओ। बोलो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा, बिल्कुल सही है रोशनी का, NR3। अब देखो अगर हम लोग इसको वैसे देखें, कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट वाइज क्या होता है, R जो है एल्काइल ग्रुप है, R इसको देना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने चाहिए R को, लेकिन होता क्या है बेसिकली, एक NH3 है हमारे पास, ये H है। तो अगर हम लोग बात करें H की और R की, तो देखो इसके केस में और इसके केस में, ये R जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसको प्लस आई इफेक्ट होना चाहिए, और इसको जो है माइनस में जाना चाहिए क्योंकि ये रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा उल्टा है, जब ये इसको डोनेट करेंगे तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं हो पाने की वजह से, ध्यान रखना ये इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इनको जो डोनेट कर रहे हैं इन ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉन्स, ये लेता नहीं है। तो जब लेता नहीं है तो रिवर्स इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है, यानी कि यहां पे इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड इसका प्लस आई इफेक्ट था, लेकिन यहां पर माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट देखो, अब अगर मान लो मैं इसमें पूछूं आपसे कि इसमें माइनस आई इफेक्ट में कौन सा होगा, बताओ कौन बच्चा बताएगा इसमें माइनस आई इफेक्ट कौन सा होगा, इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट कौन सा होगा, बताओ कौन बच्चा बता रहा है, फटाफट से बताओ, इन दोनों में अगर देखें तो माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, हाँ जी रोशनी का बिल्कुल सही है, तो ये PH3 का होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर हम देखें pH वाले में, तो pH के केस में क्या हो रहा है, इसमें P का वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या हो रहा है, अब जब R ग्रुप इसको देंगे इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा क्योंकि इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ध्यान रखना। तो जब ये ले लेगा तो ये प्लस आई इफेक्ट करना शुरू कर दिया, अब माइनस आई कौन सा होगा, ये वाला। और अब ध्यान रखिएगा, अगर आपको माइनस आई पूछे तो ये चलेंगे। एक और चीज, माइनस आई डाउन दी ग्रुप चलने पर डिक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसकी डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा इसका हो गया,
फिर इसका मतलब अगर इस ग्रुप में देखें तो पहले इसका हो गया आर के साथ, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ध्यान रखना है आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करती है, जितनी डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करेगी उसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। मान लो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप आंसर क्या लगा के आओगे? चलो इसमें आपको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाना है, चलिए बताइए माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाओ इसमें फटाफट से। बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा? अगर मान लो इसमें ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहले हुआ इसमें ऑर्डर 1, 2, 3, 4, क्योंकि n के रेस्पेक्ट में आपको क्या देखना है, ध्यान से सुनना, किसी फर्स्ट एटम के रेस्पेक्ट में क्या देखना है। जैसे मान लो ये है हमारे पास, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो है ना, ये है। अगर हम फर्स्ट वाले एटम की बात करें तो फर्स्ट वाले एटम का मतलब होता है कि इसका ज्यादा है, पहले वाले का ज्यादा है। और अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड में ध्यान रखना, ये माइनस आई इफेक्ट का बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये वाले ज्यादा होंगे, यानी कि आपको R के साथ ज्यादा देखना है। ध्यान रखना R जितना ज्यादा है फर्स्ट एटम में माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट है। अब अगर हम लोग प्लस आई इफेक्ट को देखें, नहीं अभी माइनस में ही बताइएगा, एक अपोजिट होता है वो आपको पता ही है, ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से हमारे पास, अब बताओ इसमें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? इसमें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ, बोलो कौन बच्चा बता रहा है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? हां रोशनी बताओ, 1 बिल्कुल सही है, 4 बिल्कुल सही है, 1, 4, 3, 2 बिल्कुल सही है, 1, 4, 3, 2 होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम सेकंड एटम की बात कर रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट एटम को छोड़ करके सेकंड एटम की बात कर रहे हैं, तो सेकंड एटम के साथ जितने ज्यादा हमारे पास H लगे होंगे वो उसका माइनस आई इफेक्ट होगा। अगर हम फर्स्ट एटम की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना फर्स्ट एटम के साथ जितने R ग्रुप लगे होंगे वो उसका माइनस आई इफेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला एक इंटरमीडिएट ले लेते हैं, ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि इसका फर्स्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं अभी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट।
अगर हम इंटरमीडिएट्स की बात करें यहां पे, तो देखो ये दो तरीके के हैं हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। एक हो गया हमारे पास कार्बोकैटाइन, एक हो गया हमारे पास कार्बेनाइन। अब कार्बोकैटाइन में कैसे चेक करते हैं हम, प्लस आई इफेक्ट लगा करके, है ना, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लगाते हैं बेसिकली। मान लो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाएं तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बताओ, सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी होने वाली है इधर। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से चलेगा, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है वो डिपेंड करता है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। तो जितना ज्यादा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखो इसमें ज्यादा है प्लस आई इफेक्ट तो सबसे ज्यादा इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की बात करें तो इसका मतलब वो माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो कार्बेनाइन के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ना जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेंगे तो यहां पे तो बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। तो कहने का मतलब जहां कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी है वहां पे ज्यादा होगी जहां पे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, यानी कि इधर की तरफ। तो ये कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ध्यान रखना है। सेकंड वाला पार्ट इसी में है, मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें हम लोग तो सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, तो सबसे ज्यादा आपको यह देखना पड़ेगा, यहां पे और लिख देता हूं नोट में मैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाई नेगेटिव चार्ज। अब जैसा कि हमने पहले ही से इसको देखा था कि इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो जब इसकी ज्यादा है तो इस पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, जबकि यहां पर क्या रख रखा है, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो ये स्टेबल होगा सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला, इधर वाला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लो हमारे पास ये आ जाए, अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं इसमें कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहां पे क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। एक चीज और करते हैं, इसमें कुछ नया कर लेते हैं एक बार। अब मान लो ये क्वेश्चन में एक चीज और आ जाए, क्योंकि मेडिकल या आईआईटी में एक क्वेश्चन और आता है इसी के साथ, तो यहां पे गलती बहुत करते हैं बच्चे। मान लो इसके साथ साथ ये आ जाए, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब मैं किसी बच्चे से ऑर्डर लगवाऊं तो बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले का ऑर्डर बताओ, 1, 2, 3 एंड 4 में ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का बताओ। इसका ऑर्डर क्या होने वाला है यहां पे, 1, 2, 3, 4 में स्टेबिलिटी का, क्योंकि ये नीट में कई बार आ गया, जेई में आ गया और आता रहता है, इंपॉर्टेंट भी है। जल्दी से बताओ फिर नया करते हैं कुछ।
तो देखो इसमें अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें जो स्टेबल होगा सबसे पहले होगा थ्री, और थ्री के बाद ध्यान रखना फिर होगा टू, और टू के बाद होगा फोर, और फोर के बाद होगा फर्स्ट। आपने क्या सीखा, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर एक एलिफेटिक कार्बोकैटायन आ जाए और एक इस तरीके का आ जाए तो आपको इसको ज्यादा रखना है यहां पे, ये आपके लिए ध्यान रखना है। सेकंड केस मान लो इसमें आ जाए नेगेटिव तो क्या होगा, ये वन टू थ्री एंड फोर, तो इसमें किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पे अगर स्टेबिलिटी चेक करें तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड की होगी वन, वन के बाद कार्बेनाइल में ध्यान दीजिएगा अगर ये दोनों आ जाएं तो हमें एरोमेटिक वाले को लेना है, तो फोर टू एंड थ्री। तो आपने क्या देखा यहां पे, आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोकैटायन के केसेस में एलिफेटिक को लेना है पहले और कार्ब एनाइन के रेस्पेक्ट में एरोमेटिक वाले को लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, रिंग के साथ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सारे बच्चे लगभग जानते हैं कि ये जो रिंग है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अनस्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, ये वाली, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। नेक्स्ट वाला मान लीजिए हमारे पास ये है, अब इसमें देखें हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट पे चलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिंग छोटी होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, ठीक है, ये करते हैं। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म हो गया, ध्यान रखना इंडक्टिव इफेक्ट का, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कल करने वाले हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, अब देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है ना। चलो फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर बताएंगे आप लोगों को।